हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें हम देखेंगे असेसमेंट, सेकंड प्रिपरेशन एंड केयर, थर्ड पार्टोग्राम। फर्स्ट इज असेसमेंट। असेसमेंट में सबसे पहले हिस्ट्री, वुमेन एंटीनेटल रिकॉर्ड इज रिव्यूड एंड नो रिकॉर्ड्स ऑफ एंटीनेटल केयर कंप्लीट, एक कंप्लीट हिस्ट्री। सेकंड एग्जामिनेशन, इसमें जनरल एग्जामिनेशन में पेलर, इडिमा, एब्डोमिनल स्कार, LSCS हो पहले का, तो वाइटल साइंस, बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर एंड हार्ट रेट, हार्ट एंड लंग्स का एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्या क्या देखेंगे, प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड एंगेजमेंट देखेंगे, विटस का, एस्कल्ट टेस्ट, द फिटल हार्ट रेट एंड इवैल्यूएट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं अपन, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ हेड पाल्पेबल अबाउ द ब्रिम ऑफ पेल्विस। वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, पीवी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन, एंगेजमेंट, स्टेशन एंड पोजीशन देखते हैं फिटस का। ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है फिटल हेड की एंड प्रेजेंटिंग पार्ट की। उसके बाद में मेम्ब्रेन्स देखते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन में इंटैक्ट है या फिर एब्सेंट है, एक्सक्लूड है, कॉर्ड प्रोलैप्स है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बाद में, ठीक है। और सर्विक्स को देखते हैं, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, डायलेशन देखते हैं, फेसमेंट देखते हैं। उसके बाद में पेल्विस देखते हैं, पेल्विस में डायगोनल कंजुगेट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं कि शोइंग द एग्जामिनिंग फिंगर जस्ट रीचिंग द सेक्रल प्रोमेंट्री, ठीक है। इसमें प्रोमिनेंस ऑफ स्पाइन देखते हैं, ट्रांसफर आउटलेट डायमीटर देखते हैं इसके अंदर, और डू नॉट डू वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल ब्लीडिंग बिफोर द प्लेसेंटा प्रीविया इज एक्सक्लूडेड, और स्टेराइल स्पेक्युलम एग्जामिनेशन ससेप्टिबल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इफ द वुमेन इज नॉट इन लेबर, एंड एडमिशन टू लेबर वार्ड, एक्टिव लेबर, रेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन एंड सर्वाइकल डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर, लेस टाइम इन लेबर वार्ड, लेस इंट्रापार्टम ऑक्सीटोक्सिक एंड लेस एनाल्जेसिक। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हैं यूरिन का, यूरिन में देखते हैं प्रोटीन, शुगर एंड कीटोन्स। उसके बाद में ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं कुछ, इसमें CBC, RBS, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैच फॉर हाई रिस्क पेशेंट। उसके बाद में प्रिपरेशन एंड केयर, तो प्रिपरेशन एंड केयर में देखते हैं बाउल प्रिपरेशन करते हैं। तो बाउल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, नो बाउल एक्शन फॉर 24 आवर, और रेक्टम फील ओवरलोडेड ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन, सिमिलर लेंथ ऑफ लेबर एंड मोस्ट मैटरनल एंड न्यूनेटल आउटकम्स, इट जनरेट डिस्कम्फर्ट इन वुमेन। उसके बाद में ब्लेडर केयर, एनकरेज टू एम्पटी ब्लेडर 1.5 to 2 hours, फुल ब्लेडर, प्रिवेंट टू फिटल हेड फ्रॉम एंटरिंग द पेल्विक ब्रिम, इम्पेडेड डिसेंट ऑफ फिटल हेड एंड इनहिबिट इफेक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन। तो क्वालिटी ऑफ द यूरिन शुड बी मेजर एंड रिकॉर्डेड एज ए स्पेसिमेन ऑब्टेंड फॉर टेस्टिंग। उसके बाद में न्यूट्रिशन, नो फूड इज परमिटेड आफ्टर लेबर इज एस्टेब्लिश्ड, प्रिवेंट रीगर्जिटेशन एंड एस्पिरेशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर फ्लूड और फ्रोजन पाइनएप्पल आइस चिप्स टू मॉइस्चर द माउथ, देन मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन वाया IV रूट। उसके बाद में पेरिनियल सेविंग, नो इज एसोसिएटेड विद सिमिलर मैटरनल फेब्राइल मॉर्बिडिटी, वुंड इन्फेक्शन, न्यूनेट इन्फेक्शन कंपेयर विद जस्ट सेलेक्टिव क्लिपिंग फॉर हेयर। उसके बाद में रूटीन अर्ली आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नॉट रिकमेंडेड, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लेबर,
अगर आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन करेंगे तो ये लेबर की ड्यूरेशन को कम कर देता है 60 मिनट, मोस्टली बिकॉज द शॉर्टर फर्स्ट स्टेज डिक्रीज यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड सिमिलर इंसिडेंस ऑफ NRFHR मॉनिटर सिमिलर नियोनेट आउटकम कंपेयर विद सेलेक्टिव लेटर और नोट ARM 26% इंक्रीज इन सीडी शुड बी रिजर्व फॉर फेलियर टू प्रोग्रेस। उसके बाद में पोजिशन वॉक अबाउट और इन बेड एंड एज सी विशेस एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज हेल्दी प्रेजेंटेशन नॉर्मल प्रेजेंटेशन पार्ट एंगेज फीटल फीटस इज गुड कंडीशन देन पेन रिलीफ सीवियर pain present severe and analgesic opioid drug example pethidine IM for 4 hour inhalation analgesic and epidural analgesia then uske baad third hai monitoring the progress of labor once labor has become established all event during labor should be recorded on a partogram पार्टोग्राम में क्या क्या देखते हैं वेलबींग ऑफ द फीटस वेलबींग ऑफ द मदर एंड प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो इसमें क्या क्या देखते हैं सबसे पहले पेशेंट का इंफॉर्मेशन देखी जाती है नेम ग्रेविडा पैरा हॉस्पिटल नंबर डेट टाइम ऑफ एडमिशन एंड टाइम ऑफ रप्चर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है तो ये एक पार्टोग्राम का सैंपल है इसके अंदर क्या देखते हैं पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले उसके बाद में फिटल इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर फिटल हार्ट रेट ठीक है एम फ्लूड एंड मोल्डिंग देखते हैं उसके बाद में लेबर की इंफॉर्मेशन देखते हैं जिसमें डायलेटेशन एंड डिसेंट देखा जाता है उसके बाद में कॉन्ट्रेक्शन देखते हैं ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रेक्शन देखते हैं उसके बाद में मेडिसिन जो दे रहे हैं मेडिकेशन सिंटोसिनोन ड्रग या आईवी फ्लूड उन सब की उसमें चार्टिंग की जाती है उसके बाद में मैटरनल इंफॉर्मेशन देखी जाती है मदर का पल्स बीपी टेम्परेचर यूरिन एल्बुमिन कीटोन्स वॉल्यूम ये सब उसके बाद में कंडीशन ऑफ फीटस फीटस की कंडीशन देखी जाती है इसके अंदर जिसके अंदर फीटल हार्ट रेट एवरी हाफ आवर चेक किया जाता है मेम्ब्रेन और लिक्विड देखा जाता है एवरी वेजाइनल ब्लीडिंग में एवरी वेजाइनल एग्जामिनेशन में आई का मतलब इंटैक्ट है ए का मीन्स एब्सेंस होता है सी का मतलब क्लियर होता है एम का मतलब मीकोनियम एंड बी मतलब ब्लड। उसके बाद में मोल्डिंग मोल्डिंग देखते हैं अगर सूचर लाइन फीटस के हेड की सूचर लाइन सेपरेट अलग अलग है तो जीरो और टचिंग अगर सेपरेट नहीं है टचिंग में है सूचर लाइन तो प्लस अगर ओवरलैप है तो प्लस प्लस और अगर सीवियर ओवरलैप है तो प्लस प्लस प्लस। उसके बाद में मॉनिटर फीटल हार्ट रेट देखा जाता है ये थ्रू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं सॉरी CTG मशीन के थ्रू फीटल हार्ट रेट देखी जाती है एजल्टेशन मेथड देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है इसके अंदर ये CTG की नॉर्मल फाइंडिंग एंड अबनॉर्मल फाइंडिंग। उसके बाद में प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखा जाता है जिसके अंदर सर्वाइकल डायलिटेशन देखते हैं सेंटीमीटर में एवरी वेजाइनल एग्जामिनेशन में देखते हैं प्लॉट एक्स एंड इन एक्टिव फेज अलर्ट लाइन ड्रॉ एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर सर्वाइकल डायलिटेशन इट मीन रेट ऑफ स्लोअर 10% ऑफ नॉर्मल PG एंड एक्शन लाइन ड्रॉ 4 आवर टू द राइट ऑफ अलर्ट लाइन इंटरवेंशन शुड टेक प्लेस देन डिसेंट एवरी वेजाइनल एग्जामिनेशन प्लॉट जीरो अमाउंट ऑफ हेड पाल्पेबल अबव पेल्विक ब्रिम और पोजिशन देन कॉन्ट्रेक्शन एवरी हाफ आवर फ्रीक्वेंसी पर 10 मिनट ड्यूरेशन इंटेंसिटी। उसके बाद में रिकॉर्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ लेबर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्वाइकल एग्जामिनेशन मोस्ट स्टडीज एवरी 2 आवर रिस्क ऑफ कोरियोएमनियोनाइटिस इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एग्जामिनेशन देन कंडीशन ऑफ मदर फर्स्ट मेडिकेशन ऑक्सीटोसिन अमाउंट पर 30 मिनट ड्रग आईवी फ्लूड
vital signs, BP, every 4 hour mark with arrow, and pulse every 30 minute mark as a dot, and time per 2 hour, and urine every time urine is passed, volume, albumin and ketone. This is the sample of partogram. WHO partogram 2002, simple and easy to use, and the latent phase has been removed. Plotting on beginning in active phase when the cervix is 4 cm dilated. Okay, thank you.